मामला पाना शहर कोतवाली क्षेत्र के सबसे ज्यादा सुरक्षित इलाके कचहरी परिसर में बने स्टेट बैंक की मुख्य शाखा के नजदीक का है, जहां बांगा जनपद के निबाइस गांव के रहने वाले रिटायर्ड दरोगा कल्लू प्रसाद अपनी पत्नी और बेटे के साथ बैंक से पैसे निकालने आए थे, लेकिन गांव से ही छोटे लाल और राम सुधीर उनके पीछे लग गए। और जैसे ही ये पैसे निकाल कर बैंक से बाहर आए तो बैंक के नजदीकी छोटे लाल और राम सुधीर ने कल्लू प्रसाद पर लात घूसों से हमला बोल दिया और पैसे लेकर भागने लगे। तभी मृतक के बेटे रज्जन ने छोटे लाल को दबोच लिया और जबकि राम सुधीर पैसे लेकर वहां से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर पहुंच गई तथा आनंद फानंद घायल कल्लू प्रसाद को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी जिला अस्पताल पहुंच गए। पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भर मर्शरी पहुंचाया तथा आरोपी लुटेरे को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं इस घटना में खास बात यह रही कि घटना स्थल से महज चंद कदम की दूरी पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय व डीएम ऑफिस मौजूद है। इसके बावजूद भी लुटेरे दुस्साहस घटना को अंजाम देने में बिल्कुल भी नहीं हिचके। इस घटना के बारे में मृतक की पत्नी रामकली ने बताया कि हम लोग बैंक से पैसे निकालने आए थे। पैसे निकाल कर जाते वक्त मेरे पति आराम करने बैठ गए, तभी हमारे लड़के ने दौड़कर एक लुटेरे को पकड़ लिया व दूसरा भाग गया। इस मामले पर सीओ सदर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बैंक से पैसे निकाल कर जाते वक्त एक रिटायर्ड दरोगा कल्लू प्रसाद को दो लुटेरों ने मारपीट कर 50,000 रुपए से भरा बैग छीन कर हत्या करने का मामला सामने आया, जिसमें एक लुटेरा पकड़ा गया व दूसरा फरार हो गया। घटना की जांच की जा रही है, जांच के उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी। पापा को लेके पैसे निकलाने पेंशन आए थे, वो रिटायरमेंट दरोगा, तो उनकी पेंशन लेने के लिए हम स्टेट बैंक आए थे। तो वहाँ पर पापा जैसे थके हुए थे तो हम थोड़ा सा बैठा दिया था, तो गांव का एक राम सुधीर नाम का व्यक्ति और उसके साथ एक नंकू, तो मैंने दोनों को एक बार चलते हुए वहाँ से गुजरा हुआ देखा। जब पापा का जब पैसे निकाल लिए, मतलब जब वापस वहाँ से निकले हम पापा को लेके, तो वो घात लगाए बैठे थे, पापा से 50,000 रुपये जबरदस्ती छीन लिए जैसे ही, और दो तीन मुक्का जल्दी जल्दी पापा के यहीं मार दिए, तो पापा की मृत्यु हो गई। फिर इसके बाद अभी तक कोई पकड़ गया? सर एक व्यक्ति को मैंने पकड़ लिया था जरमोट के वो पब्लिक के बीच में वहीं कचहरी में सर। जिला अस्पताल लाने के बाद क्या? तो डॉक्टर साहब ने कहा मृत्यु। अच्छा, पैसा लेके भाग गया वो? सर 50,000 रुपए। कौन से बैंक से निकाला था? सर बैंक से कौन से निकाला था? स्टेट बैंक। कहाँ गए थे पैसा निकालने? यही स्टेट बैंक। हाँ, तो क्या हुआ है फिर? पैसा फिर निकाल के पेंशन लाए 50,000। अब बस उठा का दिया वह राम सुबीर का हर बार बीमारी सी, अब वो भाई तके रहा है ना, दुई तीन लगा है, हमें पता नहीं रहा कि काहे का ये वो करते आवत जाते। अब बस अब बाबा रूखा निकाल के पैसा वो 50,000 दे मार मार भाई मारी सी भाई, और मार के फिर मोही में वो करे ला दे, तो महावती कहा तो महारानी हो कहे का मार तो ना। कितने लोग थे मारने में? दुई जने रहे। दो जने? किस चीज से मारा है? किस चीज से मारा है? हाँ, मार हिया को धुकवा हिया मार वकरवा। क्या हुआ, खत्म हो गए हैं? थोड़ी दूर रुके हैं, थोड़ी दा वो भाग गए हैं, थोड़ी दा रुके हैं, अब तो क्या खत्म हो गए? हाँ। तो कौन थे वो आपके? मेरे पति है भाई। पुलिस में थे ये? हाँ। कहाँ पे थे? उरई माँ। उरई में थे? धनपुरवा माँ। अच्छा, कितने साल पहले रिटायर? कितने साल पहले रिटायर हुए हैं? 3 साल लेके हुए, 4 साल इतने ज्यादा नहीं रिटायर हो गए। हाँ, अब भी मैं आवती चौकी में हुए आवती, अब काल का कहता हो कि आओ तो काका जी गवाही बोले तो वो दरो बनकाओ नहीं कर दिया। जो जो मारा था वो तुम्हारे गांव के हैं? क्या नाम है उनका? राम सुधीर का। राम सुधीर नंकू। नंकू तुम्हारी बिरादरी है? हाँ बिरादरी है। तो अभी एक 70 साल की करीब उम्र है, असहमत अवस्था में लाए गए, ये निवाइस गांव है, पहला थाना जाता जाता है, वहाँ से लाए गए हमारे यहाँ अस्पताल में मृत अवस्था में लाए गए। और परिजनों का ये आरोप है कि ये बता रहे थे कि ये बैंक में पैसा निकालने गए, वहाँ छीना झपटी में कुछ बदमाशों ने इनको मारपीट की है और पैसा ले गए, तो वही इनकी मौत मौके पर हो गई है। बाली को पोस्टमार्टम करवा के भेज दिया गया है और पोस्टमार्टम के बाद पता चले कि जो है मौत कैसे हुई है। कोतवाली नगर बांदा का ये मामला है, तो जो मृतक हैं उनके परिजनों का ऐसा आरोप है कि किसी ने इनको पीटा जिसके कारण इनकी डेथ हो गई, लेकिन पुलिस के द्वारा अभी पूरी गहराई से इसकी छानबीन की जा रही है। बॉडी का पंचनामा करवाते पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है।
जो भी कार्रवाई पुलिस की तरफ से बनेगी उसके तत्पर तक करवाएगा।